रद्द करो नीट पेपर, लगातार जो छात्र हैं उनकी तरफ से भी और विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी यही सवाल उठाया जा रहा है और इस पर लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, संजीव मुखिया के बहाने आरजेडी पर जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू के नेता रही है संजीव की पत्नी। आरजेडी ने कहा कि किंगपिन उसके बेटे को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, यादव सरनेम पर लालू यादव के साथ जोड़ रहे हैं। आरजेडी ये कह रही है, आरजेडी ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। तो सियासत भी जोरों पर है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं और संजीव मुखिया के बहाने आरजेडी ने जेडीयू पर निशाना साधा। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहां नीतीश के साथ ममता देवी दिखाई दे रही है। जेडीयू की नेता रही हैं संजीव की पत्नी और इसी को लेकर सवाल खड़े किया जा रहा है कि बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। देखिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के साथ ममता देवी आपको दिखाई दे रही हैं इस फोटो में साफ तौर पर और इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है, उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है। चुनाव लड़ चुकी है, मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है, एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो आरजेडी का सीधे सीधे आरोप कि किंगपिन उसके बेटे को बचाने की कोशिश आखिर क्यों कर रही है सरकार और इसी को लेकर सवाल पूछा इन तस्वीरों के जरिए। अब आपको नीट में चीट के आखिर कैरेक्टर कितने हैं, कैसे एक दूसरे से वो कनेक्टेड हैं, आपको यहां समझाते हैं। देखिए हजारीबाग का प्रोफेसर, सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी, संजीव मुखिया के मोबाइल पर पेपर भेजा गया, माफिया संजीव मुखिया चिंटू को पेपर उसने पहुंचाया और इस तरीके से यहां से ये धांधली पूरी शुरू हुई। आरोपी चिंटू पिंटू को पेपर लीक का प्रिंट निकालने के लिए दिया उसने, आरोपी पिंटू आरोपी अभ्यर्थियों तक नीट का पेपर उसने पहुंचाने का काम किया। ये एक एक कैरेक्टर इस केस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कैसे चीट के ये तमाम कैरेक्टर हैं जिन्होंने इस पूरी धांधली को होने दिया और यही थे वो जिन्होंने पेपर लीक करके उन छात्रों तक पहुंचाया, उन्हें रटवाया और उसके बाद अगले दिन परीक्षा में इन्हीं तमाम सवालों के साथ वो वहां पर बैठने पहुंचे। शशांक का रुख कर लेते हैं। शशांक देखिए, ये तो सब कुछ पूरी तरीके से साफ हो गया, ये भी कबूलनामा भी सामने है कि कैसे एक आरोपी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कनेक्टेड था, फिर भी अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि अभी जांच तो होने दीजिए, मतलब आरोपियों के कबूलनामे के बाद भी इस बात पर संदेह है क्या कि पेपर लीक हुआ भी है या नहीं। देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान मुझे याद है, पहले कहते थे कि कोई गलती नहीं हुई है, कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने 15 या 16 जून के आसपास कहा था कि दो जगह गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन अभी भी स्वीकार ये नहीं किया जा रहा है कि पेपर रद्द हुआ है। ईओयू का जो जांच हुआ है उसमें सब चीज़ें साफ हैं, जिस तरह से कबूलनामे की कॉपी एबीपी नेटवर्क के पास आई, जो इस मामले में 13 लोग जेल में आरोपी, सब स्वीकार कर रहे हैं कि 5 मई को परीक्षा थी, 4 को ही प्रश्न पत्र जो है बच्चों को दिया गया, खेमनीचक के स्कूल में पटना में प्रश्न पत्र दिया गया, उत्तर दिया गया, रात भर उत्तर रटवाए गए और अगले दिन परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए, तो सभी तरह की बात सामने आ चुकी हैं। अब पेपर कब ये जो है नीट परीक्षा का रद्द होता है ये देखना होगा साइड तौर पर और इसीलिए सरकार से सवाल किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।